अलीगढ़ के ग्लास थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर करीब 60 लाख रुपए की 18,000 लीटर अवैध शराब को नष्ट कराया है। कोर्ट से मामले निस्तारित होने के बाद मालखाना में जमा शराब को गड्ढा खोदकर दबा दिया गया। थाने में अवैध शराब के मामले में पकड़ी गई अवैध शराब को न्यायालय के आदेश पर नष्ट किया गया है। निस्तारण की कार्रवाई के दौरान सीओ राघवेंद्र सिंह, एसडीएम अनिल कटियार और कोतवाल रिपु दमन सिंह भी मौजूद रहे। दरअसल थाने में काफी समय से 179 मामलों से संबंधित अवैध शराब मालखाना में रखी हुई थी। मामलों के निस्तारण के संबंध में न्यायालय ने आदेश जारी किए थे। इसके बाद गुरुवार को अधिकारियों की मौजूदगी में थाने के पास ही एक खाली जगह पर बड़ा गड्ढा खोदकर शराब को दबा दिया गया। इस कार्रवाई पर सीओ राघवेंद्र सिंह ने बताया कि निस्तारण की गई शराब की अनुमानित कीमत करीब 60 लाख रुपए है। अवैध शराब नष्ट करने से पहले प्लास्टिक की बोतलों की शराब को जलाकर नष्ट किया गया। वहीं कार्रवाई के दौरान कांच की बोतलों को जेसीबी से तोड़ा गया है। इसके बाद शराब को गड्ढे में दबाया गया। इगलास कोतवाली पुलिस ने 18,000 लीटर जब शराब को नष्ट कराया। जी हां, आपको बता दें कि न्यायालय और यूपी सरकार पिछले काफी दिनों से जहरीली शराब से होने वाली मौतों को देखते हुए सख्त कदम उठा रही है, जिसके बाद सरकार ने आदेश दिया था कि बिना खाद्य विभाग के लाइसेंस के शराब नहीं बिक पाएगी। शराब की सभी दुकानों को इसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी हो गया है। यूपी सरकार ने ये कदम जहरीली शराब से होने वाली मौतों को रोकने के तौर पर देखा जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।